न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने श्रमिकों से की अपील, कहा ना चले पैदल, आपके लिए सरकार ने की है बसों और ट्रेनों की व्यवस्था, नहीं होने पाएगी कोई दिक्कत। मंडल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 44, जबकि 4 की हुई मौत। मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा इलाज की है समुचित व्यवस्था, 930 बेड है तैयार। शाहपुर थाना क्षेत्र के संगम चौराहे के पास रविवार की रात ठेकेदार अजय राज सिंह के घर में दावत के दौरान बिहार से आए प्रॉपर्टी डीलर 40 वर्षीय राकेश सिंह को मारी गई गोली, मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई मौत। सीओ गोरखनाथ प्रवीण सिंह ने कहा दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया गया है दर्ज, जल्द होगी कार्रवाई। मंडलायुक्त और डीआईजी ने सोमवार को जीरो पॉइंट कालेश्वर का किया निरीक्षण, श्रमिकों को ट्रकों पर ले जा रहे ट्रक का किया सीज, कुशीनगर में बैठक कर कोरोना से बचाव की समीक्षा, कहा निगरानी समिति रखे कोरोना संदिग्धों पर नजर। लॉकडाउन 4 में मंडल में नहीं है कोई नई छूट, मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा करे लॉकडाउन का पालन, घरों में रहे सुरक्षित रहे। प्रदेश के प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की समीक्षा, कहा हर हाल में समय से पूरा कराएं कॉपियों के मूल्यांकन का काम। डीएम और एसएसपी ने किया हॉटस्पॉट क्षेत्रों सहित अन्य इलाकों का निरीक्षण, बाहर से आए लोगों की जानकारी उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर सोमवार को 21,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची 17 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, थर्मल स्कैनिंग के बाद परिवहन निगम के बसों से उनके गंतव्य को किया गया रवाना, श्रमिकों ने घर वापसी पर योगी सरकार के प्रति व्यक्त किया आभार। जिले के 6 केंद्रों पर चल रहा यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम, संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा जिले में 64% और मंडल में करीब करीब पूरा हो चुका है मूल्यांकन। महुआ मंडी में सोशल डिस्टेंस का पालन और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन कैमरे से कराया जा रहा है निगरानी, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा 7 दिन तक निरंतर जारी रहेगा ड्रोन से निगरानी की प्रक्रिया। लोकतंत्र सेनानी सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह से की मुलाकात, मुख्यमंत्री सहायता निधि कोविड-19 में 1,01,000 रुपए का सौंपा चेक। डीएम और एसएसपी ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, प्लेटफॉर्म सहित प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक भेजने की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक 4 लेन का निर्माण कार्य में आई तेजी, गोरखनाथ मंदिर रोड पर तोड़ी गई दुकानें, मंडलायुक्त ने कहा 183 मजदूर लगाकर कर रहे हैं कार्य। लॉकडाउन के चौथे चरण में महानगर में सब्जी और फलों की डोर टू डोर सप्लाई 31 मई तक रहेगी जारी, सिटी मजिस्ट्रेट ने दी जानकारी। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बाद अब सर्दी खांसी बुखार के मरीजों की बढ़ी संख्या, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने कहा शासन के निर्देश अनुसार चलाई जा रही है फ्लू कॉर्नर ओपीडी, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किया जा रहा है उपचार। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सेवा भारती संस्थान के द्वारा रात्रि में महुआ मंडी में आढ़तियों पल्लेदारों और वाहन चालकों को मास्क भोजन देकर कराया जा रहा थर्मल स्कैनिंग, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा निरंतर जारी रहेगा मंडी में थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया। और लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत में सोमवार को भी महानगर में दिखा चहल पहल, सीओ कैंट ने लोगों से की अपील, कम से कम निकले घर से बाहर, बहुत ही आवश्यकता पर निकले घरों से बाहर।